वेलकम टू माई चैनल द हिस्ट्री विथ फैक्ट्स आज हम देखेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्राम एंशंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर कमिंग वीडियोज़ और आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको आई एम माई सेल्प नेट एंड सेट इन हिस्ट्री इफ यू वार्ट द सेम दैन स्टेट यूनिट विथ माई चैनल चलते हैं आज के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच रॉक ऑफ अशोका मैंशन्स फाइव कॉन्टम्प्रेरी रूलर्स दैट इज ऑफ साइरिया इजिप्ट मैसडोनिया साइरीन एप्रब्स इन कंटेक्सट ऑफ दमा विजे क्वेश्चन कहता है कौन सा वाला मेजर रॉक एडिक्ट अशोका का जो मेंशन करता है फाइव कंट्रीज़ के रूलर्स कॉन्टम्प्रेरी रूलर्स ऑफ अशोका जे रूलर ऑफ सीरिया इजिप्ट मैसडोनिया एंड एंडरस इनके रूलर्स मेंशन हैं किस कंटेक्स्ट में धर्म विजया के कंटेक्स्ट में और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉक एडिक्ट एक्स आई 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 रॉक एडिक्टर्टीन ये मेंशन करता है कि अशोका ने इन पांच रूलर्स जो इसके कॉन्टम्प्ररी थे उन पे विजय विजया पाई थी इन कन्टेक्स्ट ऑफ दमा दम विजया उन्होंने एक्सेप्ट किया था अशोकास दम्मा। क्वेश्चन नंबर टू है द फर्स्ट डायनोस्टी ऑफ द सब कंटीनेंट विच मिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉइनज विच इंडिकेट्स इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ मनी इकोनॉमी वाज क्वेश्चन कहता है वो कौन सी फर्स्ट डायनोस्टी है इंडिया की या सब कॉन्टिनेंट की जिसने लार्ज क्वान्टिटी में गोल्ड कोइनज इशू किए मिट किए और उससे ये हमें पता चलता है कि उस वक्त मनी uh, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुशानस पहली डायनास्टी थी जिस सब uh, कॉन्टीनेंट की जिसने मिट किए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द गोल्ड कॉइन्स और इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गोल्ड कॉइन इन इंडियन सब कॉन्टीनेंट लेकिन कुशानज़ वो डाइनासटी है जिसने लार्ज क्वांटिटी में मिनट किए गोल्ड कॉइन्स सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कुशानास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द फॉलोविंग करेक्टली अबाउट द मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक कॉलम दिया हुआ है इसको हमें करेक्टली ज्वाइन अप करना है जो पहला वाला कॉलम है इसमें ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरे वाले कॉलम में उनका इंग्लिश में मीनिंग दिया हुआ है हमें इनको करेक्टली ज्वाइन अप करना है कॉलम ए का पहला वाला है रुपा दर्शका रुपा दर्शका को आएगा दूसरे कॉलम में दूसरा वाला द इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स रूपा दर्शका होता है इंस्पेक्टर ऑफ आफ कॉइन्स ऑफिसर ऑफ आफ इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स बी अध्यक्षा पौतव अध्यक्षा इसको आएगा ये है ऑफिसर चार्ज ऑफ वीट्स एंड मेजर्स दूसरे कॉलम का फर्स्ट वाला पार्ट सी वाला है अकारा अधय और इसको आएगा दूसरे कॉलम में फोर्थ वाला पार्ट इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट पास्चर्स एंड माइनस ये ऑफिसर होता है इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट पास्चर्स एंड माइनस और डी वाला पति विदा कास इसको आएगा सुपाइज और रिपोर्टर्स ये सपाइज होते थे मौरियन अम्पायर के या रिपोर्टर्स सो so, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर टू पहले को आएगा रूपा दर्शका को आएगा इंस्पेक्टर ऑफ कॉइनस पावता व अध्यक्षशा का आएगा इंचार्ज ऑफ वीट्स एंड मेजर्स अकारा अधियक्शा का आएगा इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट पॉस्टर्स एंड माइनस पति वेदा काज को आएगा सुपाइज और रिपोर्टर्स क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक टूल ऑफ द अपर पेलियोलिथिक पीरियड क्वेश्चन कहता है कौन सा वाला इन चार टूल्स में से करेक्टरिस्टिक टूल है ऑफ अपर पेलियोलिथिक पीरियड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूरिन ब्यूरिनस आर द करक्टरिस्टिक टूल ऑफ द अपर पेलियोलिथिक पीरियड जो ऑप्शन ए और डी हैं क्लवर्स एंड हैंड एक्सेस दीज आर द करकटरिस्टिक टूल ऑफ लवर पेलीओलिथिक ए पीरियड और जो बी ऑप्शन है फ्लैक्स फ्लैक्स हैं करैक्टेरिस्टिक टूल ऑफ मिडल पेलियोलिथिक पीरियड और जो ब्यूरियंस हैं दिज आर द द्रैक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ अपर पेलियोलिथिक पीरियड सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी ब्यूरियंस क्वेश्चन नंबर फाइव है मैच द फॉलोइंग फॉरनर विद दियर वर्कस क्रैक्टली फॉरनर्स के नाम दिए हुए हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में उनके वर्कस के नाम दिए हुए हैं हमें इनको करेक्टली अप करना है कॉलम ए का ए वाला है एरेन एरेन की वर्क हैं कॉलम बी का थर्ड वाला अनाबस बी है सट्रेबू सट्रेबू की वर्क हैं कॉलम बी का पहला वाला जग्राफिया जग्राफिया सी है पलिनी द एल्डर इसकी इसकी बुक है इसकी वर्क है बी कॉलम का फोर्थ वाला पार्ट नेचुरल नेचुरलिस हिस्टोरिया डी है डि डिडोरस इसकी बुक है कॉलम बी का सेकंड वाला बिब का हिस्टोरिका और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर टू एरियन को आएगा सिट्रेबो को आएगा जोग्राफिया द एल्डर को आएगा नेचुरलिस हिस्टोरिया सिसिलस को आएगा बिबली का हिस्टोरिका क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद बुद्धाज डिमाइस परी निबाना क्वेश्चन कहता है कौन सी वाली सिटी में बुधा की डेथ हुई डिमाइस हुई जिसको बुद्धज़म में कहते हैं महापरी निबाना परी निबाना कहाँ पे हुआ बुधा का और इस क्वेश्चन का आंसर है उस सिटी का नाम है ऑप्शन सी कुनारा कुनारा है सिटी जहाँ पे बुधा की डिमाइस हुई और इसका दूसरा नाम है कुसावती भी कुसावती भी इसको कहते हैं जो ऑप्शन बी हैं श्रावस्ती श्रावस्ती वो सिटी है जहाँ पे बुधा ने सबसे ज़्यादा सरमनस दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को आएगा ऑप्शन सी कुनारा क्वेश्चन नंबर सेवन द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द किंग अशोका एंड हिज क्वीन फ्लैंकड बाय फीमेल अटेंडेंट्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट किस साइट से स्कल्पचर एक मिला है हमें पाया गया है किंग अशोका का और उसकी क्वीन का जिसमें फीमेल अटेंडेंट्स भी हैं किस साइड से पाया गया है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए काना हाली काना हाली ये है कर्नाटका में गुलबरगा में है ये लोकेटेड ये साइट गना हाली जहाँ पे स्टून पोर्ट्रेट ऑफ किंग अशोका एंड हिज क्वीन पाया गया है और सिमिलर टाइप का पोर्ट्रेट हमें मिला है फ्राम आ, फ्राम सांची फ्राम सांची से हमें मिला है सिमिलर टाइप ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग अशोका और यहाँ पर भी मिला है और यहाँ पर इस पोर्ट्रेट पे नाम भी लिखा हुआ है अशोका का क्वेश्चन नंबर एट है। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चार गुप्ता किंग्स दिए हुए हैं हमें उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है सबसे पहले हैं इस इन किंग्स में से सबसे पहला किंग बना था सी वाला समुद्र गुप्ता उसके बाद बना था ए वाला रामा गुप्ता उसके बाद बना था बी वाला कुमारा गुप्ता और डी वाला जो है सकंदा गुप्ता लास्ट में बना था इन चारों में से सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पहले आएगा सी फिर आएगा ए फिर आएगा बी फिर आएगा डी और इस तरीके से हमने आज के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे फ्राम एनशेंट इंडियन हिस्ट्री अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग फेम